गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है, जहां डाउ जोन्स में करीबन 250 पॉइंट की तेजी थी, वहीं नैसडेक और S&P में हल्की गिरावट देखी गई। मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर 80 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, एशियन मार्केट पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं, SGX निफ्टी 50 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। कल के डेटा की बात करें तो FIIs की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू है और कल भी उन्होंने करीबन 5600 करोड़ की खरीदारी की। DIIs ने करीबन 2300 करोड़ की बिकवाली की, तो नेट नेट 3300 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। F&O डेटा की बात करें तो कल मार्केट में तेजी होने के बावजूद भी पुट कॉल रेशियो गिर कर आया 1.71 पर। F&O में FIIs का डेटा स्टिल बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड एड किए, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड कवर किए हैं। कॉल और पुट में उनका मिक्स पोजीशन है, बाइंग भी है कॉल में और शॉर्टिंग भी है। सिमिलरली पुट में भी बाइंग है, जितने अमाउंट से उतने अमाउंट से शॉर्टिंग भी है। तो FIIs का डेटा मिक्स टू पॉजिटिव है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, जहां निफ्टी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 12,775 से 12,800 का एरिया है, ये इसकी तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। सो ट्रेडर्स को यही एडवाइस है, मोमेंटम से फाइट ना करें, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, बट उनको ऊपरी लेवलों पर निम्बल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एक वर्टिकल राइज के बाद। नीचे की ओर 12,430 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और 12,400 शुड बी स्टॉप लॉस फॉर पोजिशनल लॉन्ग ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी करेंट बुल रन का लीडर है और अपने नेक्स्ट टारगेट जोन 29,600 से 29,800 की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। नीचे की ओर 28,000 इमीडिएट सपोर्ट है और 27,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।